सो अब क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि आखिर मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा रोहतासगढ़ द लॉस्ट पैराडाइज। तो बात है 25 जनवरी 2023 की, जब मैं अपने भैया और उनके एक फ्रेंड के साथ पहली बार रोहतासगढ़ आया था, और तब शायद मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इस जगह से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। हमने वहाँ पूरे 3 दिन गुजारे थे और वो शायद हमारी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। और वापस आते वक्त ही हम डिसाइड कर चुके थे कि दोबारा इस जगह पे ज़रूर आएंगे, और फाइनली वो टाइम आ चुका था। बट इस बार हम 3 नहीं बल्कि 5 बंदे थे। रोहतासगढ़, ये नाम सुनते ही आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर क्या है इस जगह में जो इसे इतनी ज़्यादा खूबसूरत और मिस्टीरियस बनाती है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि रोहतासगढ़ फेमस है अपने रोहतासगढ़ फोर्ट के लिए, और साथ ही में इसके अंदर स्थित एक एंशियंट टेम्पल जिसे 84 मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कैमूर पहाड़ियों में स्थित इस किले को लगभग 1300 साल पहले बनवाया गया था। इस किले में बड़े बड़े राजाओं ने, जैसे शेर शाह सूरी, राजा मानसिंह, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी राज किया है। इस किले की सबसे खास बात यह है कि ये 42 किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ है, जो कि इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया बनाता है। एक बात जो आप सभी से शेयर करना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ वक्त बिताकर मिलती है, उतना ही ज़्यादा बुरा लगता है ये सोचकर कि आज तक इस अनोखे किले और इसकी खूबसूरती के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। क्योंकि घूमते घूमते बहुत शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था, तो पहली रात वहीं गुजारने के बाद अगले दिन की सुबह सूरज उगने से पहले 4 किलोमीटर की ट्रैक करके हम पहुँचे 84 मंदिर। पहाड़ की चोटी पर स्थित इस नायाब मंदिर की खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं। इस पौराणिक मंदिर को खास बनाती हैं इसकी ये 84 सीढ़ियाँ, जिसे 12 खंडों में बांटा गया है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि 84 योनि में जन्म के बाद इंसान में जन्म मिलता है,
और इसकी ये 84 सीढ़ियाँ इसी को दर्शाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र राजा रोहिताश्व ने करवाया था, इसी वजह से इस मंदिर को रोहितेश्वर धाम भी कहा जाता है। So guys, here we have come to an end and this is Rohtas ka fort. यार भाई हमेशा मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बट इस वजह से बिल्कुल भी नहीं कहने वाला, बट ये ज़रूर कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँ आप सबसे कि इस जगह को आके एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। एक बार आप आ जाइएगा, उसके बाद आपका आने का खुद मन करेगा जैसा कि हमारा मन करता है। भाई आई एम डैम श्योर कि अगर आप हिस्ट्री लवर हो आपको जगह बहुत अच्छी लगेगी, बट अगर स्पेशली बिहारी हो आप इस जगह के दीवाने हो जाओगे जैसा कि आपका भाई हो गया है। गाइस शायद आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिले जो कि सिटीज़ में मिलती हैं, बट एक चीज़ फॉर श्योर आपको यहाँ मिलने वाला है, वो है मेंटल पीस। यार जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत ही अंडररेटेड जगह है, बट एक बार आप यहाँ विज़िट करोगे खुद जान जाओगे, खुद समझ जाओगे किसी जन्नत से कम नहीं है, बस शॉर्ट में यही कह सकता हूँ। सो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार व्लॉग में, एपिसोड में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय, टेक केयर।